वसुंधरा राजे की राजस्थान में सफल राजनीतिक यात्रा में मां त्रिपुरा सुंदरी की अहम भूमिका बताई जाती रही है। वो बार बार अपना कोई भी नया काम शुरू करने से पहले त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद लेने जाती थी। और आज अपनी नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी नई यात्रा के लिए। वो यात्रा जो उन्होंने एक महीने पहले शुरू की थी, आज ही के दिन 15 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री, पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। एक महीने के कामकाज पर अगर नजर डालें भजनलाल सरकार के बही खाते पर, तो राजस्थान में मंदिरों की यात्राओं से लेकर मुख्यमंत्री ने पतंगबाजी तक सब कुछ किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम बैठकों से लेकर राम मंदिर निर्माण की भव्य तैयारी भी राजस्थान में जोर शोर से हो रही है। 18 जनवरी को पहली कैबिनेट की बैठक होगी मुख्यमंत्री की, और तब किसी बड़े फैसले का इंतजार है, और उसमें भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जो विपक्ष में रहते हुए लगातार मुद्दा उठाता रहा था बीजेपी की तरफ से विपक्ष, वो अब सत्ता में आने के बाद पहला कैबिनेट का फैसला हो सकता है जिसकी तारीख 18 जनवरी तय हो गई है, और 19 जनवरी से होगा भजनलाल सरकार की विधानसभा का सत्र। इस सत्र में क्या कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर हम आज के कामकाज पर नजर डालें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंदिरों में जाकर जिस तरह साफ सफाई की है, वो राजस्थान में धार्मिक पर्यटन की उम्मीदों को जगाता है, बशर्ते कि वो मंदिरों की साफ सीढ़ियों में वाइपर चलाने से थोड़ा आगे संदेश से कहीं ज्यादा काम धरातल पर नजर आए। दरअसल देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब की थी, तो देश में पूरे समाज को एक नई उम्मीद जगी थी। लेकिन आज भी गली मोहल्लों में जिस तरह से कचरा घर बने हुए हैं, वो स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाता है। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, बशर्ते कि जो साफ वाइपर, साफ सीढ़ियों पर जो वाइपर चलाया जा रहा है, उससे ज्यादा धरातल पर मुख्यमंत्री काम कराने में सफल हो। और आज जब पूरा एक महीना हो गया है, तो यही चुनौती और सवाल सबसे बड़ा राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने है। तो सवाल ये है कि धार्मिक टूरिज्म की तमाम संभावनाओं के बीच राजस्थान सरकार क्या कोई सकारात्मक बदलाव ला पाएगी, और क्या त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद भजनलाल शर्मा को वसुंधरा राजे जैसा करिश्माई और सफल नेता और मुख्यमंत्री बना पाएगा।